बांसात ग्रानेट स्ट्रीम स्नैप आज जिस तवे में अपना लोगो लगाया ना था ना उन लोगों ने फ्राई करते हुए उसी तवे से पेलेंगे उनको कल रुक अरे सामने से कितनी देर तक क्लच गॉड सर्वाइव करेंगे, बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सामने से इमोट्स लाने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे म्यूजिक जो है वो राइजन बजा रहे हैं, उनके टीम में डांस कर रहे थे और आई वांट माइक्रोबॉय बाहर कर क्या रहे। ओके ही इज आल्सो डांसिंग। तो एक प्लेयर अच्छा होगा यार, तूने कल वो फायरिंग किया कौन सा वो मारने के बाद वो उसको क्या नाम था उसका अपने को डबल फेस बन के रहना नहीं आता, जो है वो है, जहाँ पे इंडिया की बात आती है वहाँ पे अपन किसी को बख्शेगा नहीं। बात तो सही है ब्रो, वैसे भी वो एटीट्यूड दिखा रहे थे उस टाइम। अरे रुकना तुम मजे तो देखना, मजे तो देख, अभी थोड़ा रुक जा, अभी तो अपने दिन चालू हो गए, थोड़ा सा रुक, कल का दिन भी बाकी है, रुको जरा भैया, सब्र करो, सब कुछ होगा, सब गाने बजेंगे। I got supplies. वो कर रहा था लास्ट में। आज जिस तवे में अपना लोगो लगाया ना था ना उन लोगों ने फ्राई करते हुए उसी तवे से पेलेंगे उनको कल रुक। मुझे और अपन ने हर बार पेला है उनको, नीवो ने तो 1v3 किया था एक बार भाई क्रिचर्स में, उनको तू भी था टीम में, पारितोष ने एक बार किया था 1v2 जब पारितोष था टीम में। चलो कल बीटीआर नहीं है, पता है ब्रो कल बीटीआर नहीं है, पहले दिन हम भी तो नहीं थे। आज फाइट हुई, कैसा पेल दिया जवानी ने उनको, अगर मैं अभी 1v4 बोल दूंगा ना, कुछ बंदे है इधर भाई बोलेंगे अरे नहीं था ये था वो था, तो उससे अच्छा अपन पहले ही खुद ही बोल देते। फ्रांसी हाँ फ्रैंकी ने और इसने क्या नाम इसका स्काउट ने दोनों ने मार दी उनकी, 2v4 कर दिया फ्रैंकी ने और स्काउट ने। अबे घातक निकल गया था, निकल गया घातक, अरे हाँ निकल गया घातक। गालियां मत दो उनको है ना, गेम में दिखाएंगे ब्रो उनको गालियां मत दो, कोई गालियां देकर फायदा ही नहीं है, पर उनको गेम में दिखाएंगे कल, ये बहुत हवा में है। ओ भाई क्या बम पटा भाई, लॉबी तो अच्छी दिख रही है जो बंदों के नाम से। वो भाई तुम लोग इतने दूर है क्या उसकी माँ का, वो बोरिया के पीछे है, बहुत ही ज्यादा आगे आ गया मैं। Boleh tadi satu orang. Kok dia enggak bisa lewat sini selain lewat jendela?
तभी से दे स्लाइड कर देंगे ना गार्डन जो मोलोटोव apa pakai dia cuman bisa vaulting di balkon sini juga nih. Dua orang. Ada punya preset gak? Sini gue healing deh. Oh ini udah di drop. Lu siap-siap Zar di sini Gus. Ini gue jagain balkon Jir. Balkon sini dia bisa loncat. Jir sakit banget. Jar, preset gak Zar? Healing Gus, healing Gus. Preset Gus sisa ini doang. Udah. Gue smokein ya kali ya. Ini gak mau loncat kah? Aduh kalau ada bom meninggal dari kemarin tuh anjing. Knock satu deh. Iya dua orang ya. Gue lempar dia biar panik. Jogi. सके किसी भी प्रकार से और लक्सी का यहाँ पे प्यारा नेट जाता हुआ जेसी को नॉक करते हुए इसी के साथ लक्सी चार्जिंग कर रहे हैं यहाँ पे टीम इल्यूमिनेट के प्लेस के ऊपर माइक्रो बॉय ने यहाँ पे मार्टिन को नॉक कर दिया यहाँ पे फाइनल फाइट चलता हुआ लक्सी ने यहाँ पे गॉड आर्ट को भी नॉक कर दिया आर्मस्ट्रॉन आई गेस लास्ट में बचे आपको कौन यहाँ पे जीतने वाला है कौन यहाँ पे अपने देश का झंडा ले रहा है कैन इट बी एन इंडोनेशियन टीम या फिर टीम इंडिया यहाँ पे जीतेगी जल्दी बताइए. ये बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि कौन यहाँ पे जीतने वाला है बट आई थिंक TSM एंटिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी क्योंकि जो कॉम्पाउंड वो होल्ड कर रहे हैं वहां पे एंट्री करना बहुत ज्यादा मुश्किल है अनलेस यहाँ पे हील बैटल पे बात आ जाती है और BTR उस सिचुएशन में TSM को बीट कर रही है तब तक BTR के लिए एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होंगे उनको बहुत ज्यादा यूटिलिटी यूज करना होगा और वो पिछली फाइट्स में काफी कुछ कमिट कर चुके हैं तो यहाँ पे वो चीज लैक करेगी. प्लस आर्मर सिचुएशन देखिए लक्सी का आर्मर थोड़ा बहुत बचा है 50% डैमेज ले चुका है. माइक्रो बॉय है जिनका जो आर्मर और हेलमेट है बिल्कुल अनडैमेज है उसके अलावा जो तीसरे प्लेयर थे राइजन उनका आर्मर पूरी तरह उड़ सकता है तो डैमेज सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे प्लेयर्स जो है सामने की साइड से जो आएगा. प्लस TSM एंटिटी उन्होंने जो हाई ग्राउंड एडवांटेज था कॉम्पाउंड के फर्स्ट फ्लोर पे रहने का वो यूज करके उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन वाइज सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि BTR के प्लेयर्स का एंड यस आई थिंक ये जो चीज है इसे ये दोनों की दोनों टीम्स एक ही बैटल तक लेकर लाने की कोशिश कर रही है. काफी ज्यादा डैमेज लक्सी को दे चुके थे बेयरली सर्वाइव कर रहे थे 10 HP पर. जॉनथन यहाँ पे ब्लू जोन के थ्रू नॉकडाउन हो जाएंगे और क्लच गॉड यहाँ पे अकेले बचे हैं तो हील बैटल पे जैसा मैंने कहा था बात आ जाती है और क्लच गॉड के पास बचे हैं सिर्फ 4 फर्स्ट एड्स. बूस्ट ऑलरेडी रन होने चालू हो चुके हैं नेट जा रहे हैं सामने से कितनी देर तक क्लच गॉड सर्वाइव करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा. सामने से इमोट्स लाने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे म्यूजिक जो है वो राइजन बजा रहे हैं उनके टीम में डांस कर रहे थे और आई वंडर माइक्रोबॉय बाहर कर क्या रहे. ओके ही इज ऑल्सो डांसिंग. तो एक प्लेयर को आई थिंक उन्होंने हील बैटल के लिए डाल दिया और बाकी क्लच गॉड यहाँ पे अपना वापसी हील बैटल एरियाज में सिर्फ रिजिज ही आपको कवर दे पाते हैं और यहाँ पे स्काउट अभी भी अपनी डोमिनेशन बरकरार रखते हुए फनाटिक वर्सेस टीम BTR की तरफ फ्रैंकी यहाँ पे नेट डालते हुए यहाँ पे BTR को अपने चुंगुलों में नहीं लिया फ्रैंकी का यहाँ पे नेट जाता हुआ कंप्लीटली टीम फनाटिक यहाँ पे टीम BTR को वाइप आउट करती है. फ्रैंकी का बहुत ही प्यारा एक ग्रेनेड पूरी की पूरी टीम BTR को यहाँ पे वाइप आउट कर चुकी है. टीम सीक्रेट के प्लेयर्स यहाँ पे टीम पावर हाउस के साथ डील करने वाले Smokin dulu bisa gak? Gue kalau turun mati anjir. Bibi tolong gue, Bibi. Gue liatin gue dari high ground, dia nge-post. Dua orang, empat orang. Ya, kelepas. Di atas. Anjir. Bisa kayak gitu, anjir.
Sat granat. Stream snap anjing. Enggak, cok. Streamnya dilain dikit anjir. Tapi masih nyerang kayak gitu. डैमेज दे रही है और उसका फायदा आई थिंक डीएसएम उठाने की कोशिश करेगी और जोनाथन ने काफी ज्यादा डैमेज दिया था बट राइजन ऑटोमेटिकली प्ले जोन से यहां पे नॉक डाउन होते हुए इन द मीनवाइल जो एलिमेंट्रिक्स थी वो वहां पे आई थिंक जैन मारा के ऊपर कह डालती थी नो इट वाज सिनर्जी जैन मारा के प्लेयर्स को बाहर निकालती एंड गनर नॉक डाउन हो जाएंगे बट यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो टीम बीटीआर के लक्सी काफी ज्यादा मुश्किल में क्योंकि एश यहाँ पे डेड को फिनिश करते हुए जोनाथन नहीं छोड़ना चाहेंगे लास्ट मैच का बदला जरूर लेंगे। जोनाथन ने दो प्लेयर्स को यहाँ पे फिनिश कर दिया एक राइजन को जो वो नॉक होके पड़े थे जोन के बाहर और लक्सी जब कवर लेने की फिराक में थे और जोनाथन ने यहाँ पे नेड भी डाल दिया लक्सी के ऊपर यहाँ पे आग उगलते हुए आग बरसाते हुए यहाँ पे टीएसएम एंटिटी इस बार आगे बढ़ते हुए जाएगी माइक्रो बॉय की तरफ अकेले बचे बट नियो यहाँ पे पुश कर रहे थे टीम सीक्रेट की तरफ बट वो खुद नॉक हो गए। आश ने वहां पे डार्क को फिनिश कर दिया और यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग कियोटिक सिचुएशन हो चुका है। टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड ने वहां पे आई शॉट्स को फिनिश ऑफ कर दिया। स्काउट ने वहां पे लक्सी को फिनिश कर दिया। तीन स्क्वाड जहां पे एक दूसरे के साथ फाइट लेते हुए जोनाथन यहाँ पे माइक्रो बॉय के साथ सिंगल हैंडेड फाइट लेना चाहेंगे बहुत लो स्पीड पे। जोनाथन रिलोड कर रहे थे माइक्रो बॉय ने उसका फायदा उठाया जोनाथन को नॉक कर दिया। रौनक ने वहां पे पीछे से माइक्रो बॉय को नॉक कर दिया। टीम फनाटिक टीएसएम एंटिटी और टीम बीटीआर के बीच में बहुत ही इंटेंस फाइट चलती हुई लक्सी ने चारों तरफ यहाँ पे स्मोक बिखेर रखा है। टीम बीटीआर यहाँ पे इस सिचुएशन से उनको निकलना पड़ेगा कैसे निकलेंगे वो एक बहुत ही बड़ा सवाल हो जाता है। मीनवाइल टीएसएम एंटिटी की स्क्वाड के क्लच गॉड को यहां पे मेगा स्टार्स के वैक्सीन स्पॉट कर दिया और उनको भी नॉक कर देंगे। जोनाथन को यहां पे रिवाइव दे देंगे उनकी टीएसएम एंटिटी के जी गॉड ऑलरेडी न्यू फिनिश हो चुके हैं और जी गॉड यहां पे जा रहे अपने दूसरे टीममेट क्लच गॉड को रेस्ट देने के लिए। पैराडॉक्स ने वहां पे पावर हाउस के ज़ीब्रा को नॉक कर दिया। देखते हैं यहां पे पैराडॉक्स उनको फिनिश कर पाते हैं या यस डेफिनेटली ज़ीब्रा को भी फिनिश कर देंगे और आइकॉनिक को भी फिनिश कर देंगे और इसी के साथ ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 9 ही टीम बची है। टीम बीटीआर भी अभी भी सर्वाइव करते हुए ज़ीगॉड काफी ज्यादा ओपन में आ चुका है। ज़क्सी इनको पनिश कर देंगे। टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड और जोनाथन को यहां पे कुछ कमाल का गेम प्ले दिखाना पड़ेगा। यहां पे नेड्स भी डालते हुए ज़क्सी यहां पे फर्स्ट एड भी हील कर रहे और ये फाइट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स जॉनी। Definitely, ये फाइट ऑलरेडी आउट ऑफ हैंड जा चुके जब इतने थर्ड पार्टीज हो गए थे और अब जोनाथन फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द स्कैफोल्डिंग प्रोन अप करेंगे और इंस्टेंटली बीट